जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही हैं। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं, और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती कैसे समझ पाएंगे? कैसे समझ पाएंगे कि आप किस दलदल में धंसे हुए हो? महंगाई से आप दब चुके हो, तो क्या हालत होती है आपकी, ये मोदी जी नहीं जान सकते, क्योंकि मोदी जी अब अपने महल में बंद हैं, सत्ता से घिरे हुए हैं, उनके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे डरते हैं, उनको कोई कुछ कहता नहीं है, और अगर कोई आवाज़ उठा भी ले तो उस आवाज़ को दबाने की कोशिश होती है।